सो एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम द प्रीवियस क्लास फॉर क्लासेस भई सबको सब, सब चीजें क्लियर थी पिछली क्लास में क्लासेस में एनीबडी हैविंग डाउट ओके ओके ठीक है <coughs> चलिए सो so, आज हमने आर्कियोलॉजी स्टार्ट करनी थी विल स्टार्ट विद वर्ड आर्कियोलॉजी देखिए जो पहली बात है दैट आई वांट टू मेक क्लियर इट इज कि कोई प्रॉपर डिस्टिंक्शन यूपीएससी ने रखी नहीं है दैट ये क्वेश्चन जो है वो पेपर सेकंड के अंदर पूछा जाएगा आर्कियोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के अंदर पूछा जाएगा ठीक है सो बी प्रपेयर्ड फॉर दैट कई बार हम प्री कंसीव्ड नोशन लेके जाते हैं दैट ओके दिस क्वेश्चन विल बी आस्ड इन दिस सेक्शन दिस क्वेश्चन विल बी आस्ड इन दिस सेक्शन ऐसा कोई प्री कंसीव्ड नोशन आपके दिल और दिमाग के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए तो बेसिकली जो है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वाले बहुत सारे क्वेश्चंस इंडियन आर्कोलॉजी वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के अंदर पूछ लिए जाते हैं जैसे अक्सर ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है न्योलिथिक कल्चर इन इंडिया ठीक है तो इंडियन नियोलिथिक कल्चर के बारे में बताना है आपको ये सवाल पेपर सेकंड के अंदर भी पूछा जाएगा पेपर फर्स्ट के अंदर भी पूछा जाएगा सिमिलरली आपके पास जो है वो टाइपो टेक्नोलॉजिकल एरर्स इन इंडियन पेलोलिथिक पूछा गया ठीक है टाइपो टेक्नोलॉजिकल एरर्स इंडियन पेलोलिथिक के अंदर वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसको नहीं पूछा ग्लोबल लेवल के ऊपर नहीं पूछा ठीक है तो जो सबसे पहली चीज निकल के सामने आती है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं वो यही है ओके okay? देन उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो बेसिकली आपके पास दो तरह के यूनिट्स इसमें बट जाते हैं दो तरह की जो है वो आपके पास वर्ड आर्कोलॉजी में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक तो है कि आपके पास ब्रीफ आउटलाइन ब्रीफ आउटलाइन ऑफ प्री हिस्ट्री और आर्कोलॉजी इन अराउंड दर्ल्ड इसके अंदर बेसिकली पेलियोलिथिक के अंदर जो मेजर ट्रेडिशन्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए टूल टेक्नोलॉजी किस तरह से इवॉल्व करी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए सिमिलरली मिजोलिथिक के अंदर जो मेजर ट्रडिशन्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए नियोलिथिक के अंदर और चाल्कोलिथिक के अंदर जो मेजर ट्रेडिशंस हैं जो टूल टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है दैट यू शुड नो ठीक है एक तरह का एक जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये निकल के आता है ब्रीफ आउटलाइन पेलियोलिथिक की मिजोलिथिक की न्यूलिथिक की चालकोलिथिक की एट द लेवल एट द ग्लोबल स्केल ठीक है तो जनरल आपको एवोल्यूशन पता है तो यू आर गुड टू गो और एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि लोअर पेलीथिक के अंदर बड़े टूल्स थे फिर छोटे हो गए फिर और छोटे हो गए फिर ये हो गया फिर वो हो गया नहीं ऐसा नहीं न्यूलिथिक के अंदर फार्मिंग की जाती थी वो सबको पता है ठीक है लेटर मिजोलिथिक के अंदर जो साइट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए अर्ली मिजोलिथिक के अंदर जो साइट्स हुई हैं वो पता होनी चाहिए लोअर मिजोलिथिक के अंदर जो लोअर पेलोलिथिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए तो एक ब्रीफ आउटलाइन के बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक ब्रीफ़ आउटलाइन है ये ट्रेडिशन्स हैं इस तरह से इवॉल्व करे हैं ये वाला ट्रेडिशन यूरोप के इस हिस्से में था एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह से एक आउटलाइनिंग आपके दिमाग के अंदर प्रिपेयर्ड होनी चाहिए ठीक है so, सो जो पहले तरह के सवाल पूछे जाते हैं दैट इज द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ प्री हिस्ट्री अराउंड वर्ल्ड ठीक है प्री हिस्ट्री एज वेल एज प्रोटो हिस्ट्री बिकॉज चालकोलिथिक की बात आ जाती है तो फिर उसके बाद जो अगली चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द डेटिंग मैथड ठीक है डेटिंग मेथड्स यहां से सवाल पूछे जाते हैं गॉट एक, एक और क्वेश्चन है पता नहीं मुझे किताब के अंदर नहीं मिला है बट somebody आस्ट मी कि ये भी सवाल आया है प्रिंसिपल्स ऑफ और द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ वर्ल्ड आर्कियोलॉजी ठीक है पता नहीं इट वॉज़ अ मेड अप क्वेश्चन बाय दैट स्टूडेंट या फिर सच में आया है तो इसका एक बार मुझे जो है वो देख के बता देना कि प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया ठीक है तो उस हिसाब से मैं आपको सैनॉप्सिस प्रिपेयर करके दे दूंगा ठीक है मटीरियल तो उसका रेडी है ही है ठीक है जस्ट बात ये होती है कि एडिटिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी थोड़ा सा जो है वो उसको इंट्रोडक्शन ऐड करना पड़ता है चीज़ों को ऐड करना पड़ता है दैन इट इज़ गुड को ओके okay? तो बेसिकली इस चैप्टर से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं अब इसी चीज़ को जो है वो यहाँ पे देखते हैं डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस अराउंड द यूरोपियन मिजोलिथिक अगर अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम दी ब्रीफ आउटलाइन फिर उसके बाद डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अर्ली फार्मिंग कल्चर्स एंड नियोलिथिक इन द नियर ईस्ट जो आपके पास अर्ली फार्मिंग कल्चर्स हैं ये इट वाज इन दी फर्टाइल क्रिसेंट एज वेल एज़ कुछ यूरोप के हिस्सों के अंदर थे तो आपको सारे के सारे जो अर्ली फार्मिंग कल्चर्स हैं उनके फीचर्स लिखने हैं और उसी के साथ जो है वो नियर ईस्ट के अंदर जो फार्मिंग कल्चर्स डेवलप हुए हैं उसके बारे में बताना है फर्टाइल क्रिसेंट के बारे में बताना है नाटूफियन कल्चर के बारे में बताना है फिर उसके बाद थर्मोल्यूमिनंस डेटिंग अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम द डेटिंग मैथड फिर उसके बाद नाटोफियन कल्चर से फिर से सवाल पूछ लिया गया फिर उसके बाद बात की गई कि किस तरह से आप लोअर पेल्युलिथिक और मिडल पेल्युलिथिक के अंदर एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर सकते हो ठीक है अगेन ब्रीफ हिस्ट्री से जो है वो ब्रीफ आउटलाइन ऑफ प्री हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया फिर उसके बाद मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया देखिए अब ये सवाल जो है इट बिलोंग्स टू पेपर सेकंड ठीक है उसी के अंदर एक पिछले साल वाला क्वेश्चन था दैट आई आई थिंक आई हैव मिस्ड इन हेयर ठीक है तो वो सवाल पूछा गया था टाइपो टेक्नोलॉजिकल एरर्स टाइपो टेक्नोलॉजिकल एरर्स इन इंडियन प्री हिस्ट्री ठीक है तो वो जो है जब हम इस चीज को करेंगे तो आपके पास जो है जो पिछले क्वेश्चन हैं उनके अंदर इसको डील कर लिया जाएगा ठीक है सो so, टाइपो टेक्नोलॉजिकल एरर्स और टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन इंडियन पेल्योलिथिक इंडस्ट्री विद रेफरेंस टू द इन्वायरमेंटल हाइपोथीसिस ठीक है सो दिस वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज आस्ट उसी के साथ जो है वो एक मीजोलिथिक आर्ट से सवाल पूछा गया था फिर उसके बाद ओल्ड बाई जॉर्ज से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है फिर उसके बाद मीजोलिथिक कल्चर एंड एसोसिएटेड रॉक आर्ट विद द एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया ठीक है तो 2021 का जो है वो क्वेश्चन वो इसी की रेपिटेशन था फिर उसके बाद डेटिंग रिलेटिव डेटिंग मेथड्स ये सवाल पूछा गया डिस्कस ब्रीफली द मेजर ट्रेडिशन इन दी अपर पेल्योलिथिक कल्चर ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछे गए थे लोअर पेलुलथिक और मिडल पेल्युलथिक के अंदर डिफरेंसेस अभी जो है वो अपर पेल्योलिथिक कल्चर के जो यूरोप के अंदर डेवलप हुआ है मेजर ट्रेडिशंस पूछ लिए गए ठीक है तो हर एक सवाल जो डिस्कस किया जाएगा चाहे वो मीजोलिथिक से डिस्कस किया जाए न्योलिथिक से डिस्कस किया जाए अपर पेली से डिस्कस किया जाए लोअर से मिडल से कहीं से भी डिस्कस किया जाएगा इट विल बी डिस्कस्ड इन फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस और ट्रडिशंस टूल टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशंस दैट हैज बीन फॉर्मुलेटेड ठीक है सवाल उसी तरह से एड्रेस किया जाएगा ओके देन उसके बाद टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द फूड प्रोडक्शन इन द न्यूलिथिक कल्चर अगेन ब्रीफ आउटलाइन से क्वेश्चन है डेटिंग मेथड से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया मीजोलिथिक कल्चर फिर से क्वेश्चन वही है फिर उसके बाद जो है वो राइटर शॉर्ट अच्छा अगर शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाए तो भी आप ट्रेडिशंस के अंदर ही लिखोगे ठीक है किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसकी बातें जो है हम चलते चलते कर लेंगे फिर उसके बाद सेलियंट फीचर्स ऑफ चार्कुलिथिक कल्चर पेलियोलिथिक कल्चर नियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया ठीक है नियोलिथिक कल्चर को हम जनरली भी देख रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद जो है डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स और आपके पास हर एक मेथड के बारे में बात करनी थी कार्बन फोटिन डेटिंग फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या है प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजिकल डेटिंग के हर एक डेटिंग मेथड को लिखना और उसके लिमिटेशंस लिखने हैं फिर उसके बाद रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड क्या होता है ठीक है फिर उसके बाद क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड क्या होता है न्योलिथिक फेजेस जो है उसको यूरोप का रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है यूरोप के अंदर उसको जो है वाइट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन और इसके जो है वो अगेन न्यूलिथिक फेज के डिस्टिंगटिव फीचर्स बताने थे ठीक है? तो दिस दीज आर द सेट ऑफ़ क्वेश्चन दैट हैज आस बीन ओके? अगेन जो सवाल हैं वो ज्यादा ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के पूछ लेंगे सवाल जो हैं वो ब्रीफ आउटलाइन से पूछे जाएंगे और डेटिंग मेथड से हम एक चीज़ को पकड़ेंगे जैसे आपके पास पेलीथिक को पकड़ा है या फिर लोअर पेलीथिक को लेट से पकड़ा है तो लोअर पेलुलिथिक के अंदर सबसे पहले बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इसकी डेट क्या है वॉट इज द डेट ठीक है इसकी डेट क्या मिलती है कहाँ से कहाँ तक लोअर पेल्योलिथिक रहता है फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट आर द डिफरेंट ट्रेडिशंस और डिफरेंट टूल टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशंस डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल ट्रडिशन्स दैट हैज़ बीन फॉम्ड और ये आपके पास ट्रेडिशन्स हर एक ट्रडिशन के सेलियंट और डिस्टिंगटिव फीचर्स क्या थे और उसके बाद जो है वो हर एक टूल टेक्नोलॉजिकल ट्रडिशन का एक जोग्रफिकल रेंज क्या थी वो आपको जो है वो पता होनी चाहिए देन उसके बाद अगली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है दैट इज़ दी जनरल फीचर्स जनरल फीचर्स के अंदर आपके पास इन्वायरमेंटल फीचर्स आ जाते हैं और उसी के साथ जो है वो आपके पास कल्चरल फीचर्स आ जाते हैं इफ़ देयर आर एनी बाकी तो टूल टेक्नोलॉजी के अंदर ही कवर हो जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद जो है यू हैव द कंक्लूजन ओके तो कोई भी आप एक चीज़ को ले लोगे तो बेसिकली उनको इन तीन लेयर्स के अंदर पकड़ के डिवाइड करके पढ़ लोगे ठीक है सिमिलरली लोअर पेलुलिथिक अपर पेलोलिथिक मिडल पेलोलिथिक मिजोलिथिक न्योलिथिक सबके लिए जो है वो इसी तरह से किया जाएगा ठीक है गॉट द पॉइंट इवन चालकोलिथिक के लिए भी चालकोलिथिक न्योलिथिक के अंदर क्या होता है कि समाज जो आपके पास जोग्राफिकल रेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाती हैं क्योंकि न्योलिथिक के अंदर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं पॉटरी पॉटरी के अंदर क्या है दैट यू कैन कैरी दी वाटर एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह आप पानी लेके जा सकते हो जब आप वाटर को कैरी कर सकते हो देन ऑब्वियसली आप जो है वो यू आर फ्री टू गो कहीं पे मर्जी जाके बसते रहो कहीं पे मर्जी कुछ मर्जी करो तो जो जोग्राफिकल रेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है इट इज़ नो मोर सराउंडेड अराउंड द रिवर्स ठीक है और जो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है सोशल स्टेटिफिकेसन है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसकी वजह से ट्रेडिशंस वर्ड हमारे लिए छोटा पड़ जाता है नियोलिथिक के बाद और नियोलिथिक के अंदर भी तो जनरली हम जो है वो जोग्रफ़ी के हिसाब से उसका नाम रखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के अराउंड जो सिविलाइजेशन बन गई पूरी की पूरी तो हमारे पास सिविलाइजेशंस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है ट्रेडिशंस कल्चर्स पीछे छूट जाती हैं ओके, okay. ठीक है सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैव बीन ऑर्गेनाइज तो जब भी बात करनी है तो इन्हीं दो और जब भी आपको याद भी करना है कुछ भी करना है तो इन्हीं दो दो जो है वो आपके पास आ, चीज़ों के अंदर आपको चीज़ों को समेटना है बेसिकली ठीक है जी गॉट द पॉइंट बातें समझ में आ रही हैं भाई सभी को एनी बडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट दिमाग के अंदर कोई डाउट हो भाई पूछ सकते हो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर के अंदर बेसिकली आई वांट वेंचर इनटू द डीप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है और मेरा जो मेजर मकसद रहेगा वो यही रहेगा कि इस लेक्चर को इस टॉपिक को वर्ड आर्कोलॉजी का टॉपिक को अभी जो है वो खत्म कर दिया जाए इसी क्लास के अंदर बट वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि यहाँ से सवाल जो है वो दो दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ठीक है इन पेपर फर्स्ट पिछले साल भी दो क्वेश्चन पूछे गए उसी उसके पिछले साल भी दो क्वेश्चन आए उससे पिछले साल भी दो क्वेश्चन आए ठीक है उससे पहले जो है द क्वेश्चन देवर वेरी मतलब बहुत जो है वो कम को सवाल पूछे जाते थे अगर सवाल भी पूछे जाते थे तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्योलिथिक कल्चर वाई न्योलिथिक कल्चर इज नोन एज न्योलिथिक रेवोल्यूशन तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन हैं सिर्फ वही पूछे जाते थे अब उन्होंने ट्रेडिशंस के ऊपर डाइवर्सिफाई कर दिया है ठीक है तो चलिए सो मिजोलिथिक रॉक आर्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो सबसे पहले जो है वो मिडल स्टोन एज मिजोलिथिक पीरियड की इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो आपके पास रॉक आर्ट का इमरजेंस हुआ ठीक है या फिर रॉक आर्ट जो है वो अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो गया सो अ फॉर्म ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ इमेजेस ऑन द रॉक सरफेसिस ठीक है ये अपर पेलीथिक के अंदर भी था लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके पास इस्टेब्लिश हो गया है ठीक है फिर उसके बाद रॉक रॉक आर्ट फॉर्म इन दिस पीरियड इट सर्व्स एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड दी आर्कोलॉजिकल डेटा ये आपको लाइफस्टाइल के बारे में कल्चर के बारे में बिलीव सिस्टम के बारे में जो मीजोलिथिक कल्चर के अंदर कम्युनिटीज के अंदर होता था उसके बारे में आपको बताता है ठीक है फिर उसके बाद हमें जो है वो ओवरव्यू ले लिया एक बार कि आपके पास इंडियन रॉक आर्ट जो है वो किस तरह से दिखता है सो so, इसके अंदर रॉक कार्विंग भी हैं रॉक पेंटिंग्स भी हैं ठीक है दोनों चीज़ें हैं और आपके पास इसके अंदर जो सीन्स हैं डेली लाइफ के हंटिंग एक्सपीडिशनस के बहुत सारे एनिमल्स के ज़्यादातर एंथ्रोपोमेट्रिक जो एंथ्रोमॉर्फिक जो फीच जो क्रिएचर्स हैं फिगर्स हैं उनके बारे में बात इसके अंदर की गई है ठीक है और आपके पास इमेजरी जो है इट इज़ वेरी डायनमिक वेरी विविड बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हैं और आपके पास जो है इससे हमें आर्टिस्टिक स्किल्स का पता चलता है जो होमोनिट्स मिजोलि जो जो ह्यूमंस मिजोलिथिक पीरियड के अंदर थे ठीक है जो आपके पास कलर्स का यूज़ किया गया है दैट इज रेड वाइट और जनरली जो है वो मिनरल पिगमेंट्स हैं इसके अंदर ठीक है ये जो है वो चार चीज़ें हैं बेसिकली जो कि आपको इंडियन रॉक आर्ट के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स बताती हैं ठीक है गॉट द पॉइंट भाई बात समझ में आ गई सो so बेसिकली यही जो है वो चार करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंडियन मिजोलिथिक रॉक आर्ट को कैटेगराइज करने में मदद करते हैं या फिर जो है वो बताते हैं कि मिजोलिथिक आर्ट जो है वो कैसी है अब स्पेसिफिक मैंने साइट्स को पकड़ा है और उन स्पेसिफिक साइट्स के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं क्या उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं उनके बारे में बात की है ठीक है so सो पहला है का रॉक आर्ट और रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश के अंदर फिर मिर्जापुर एक्स, के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सकेविशंस हुई थी ठीक है मतपाल ने जो है वो एक्सकेविशंस की इन सच क्वेश्चन शुड बी लिंक द हुमन एवोल्यूशन मीजोलिथी के अंदर तो भाई क्या ही करोगे होमोलेट एवोल्यूशन को लिंक और इंडिया के अंदर तो कुछ खास है नहीं आपके पास बताने के लिए इन दी वर्ल्ड आर्कोलॉजी पार्ट हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं वहाँ पे आप करेंगे ठीक है जब ओल्ड वन ट्रेडिशन की बात की जाएगी तब ऑब्वियसली हैबिलिस का नाम आएगा ही आएगा वहाँ पर ठीक है तो लिंक किया जाएगा वहाँ पर नो षूज़ ठीक है तो आपके पास जो है वो मिर्ज़ापुर के अंदर एक्सकेविशन हुई ठीक है यशोदर मटपाल ने जो है एक्सकीविशन्स की थी फिर उसके बाद जो है वो चतुर्भुज नाथ नाला गुजरात उसके अंदर आर वी जोशी ने एक्सकीविशंस की वहाँ पे भी आपको पेंटिंग्स मिली हैं फिर उसके बाद जो है हज़ारीबाग झारखंड से एक्सकीविशन्स हुई वहाँ पे भी जो है वो आपको, आपको सोमनाथ चक्रवर्ती ने की थी ठीक है झारखंड से तो वहाँ पे भी आपको रॉक आर्ट मिली है फिर उसके बाद जो है वो कपगल्लू हिल्स कर्नाटका में एक्सकीविशंस हुई हैं डॉक्टर मल्ला ने एक्सकीविशंस की ठीक है बीएल मल्ला ने तो अगेन आपको ये मिली हैं फिर एक ऑडिटोरियम केव है वो रीसेंट एक्सकीविशन है तो इसको अलग से लिखा है ठीक है सो बेसिकली दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया जहाँ पे रॉक आर्ट जो है वो मिला है ठीक है सो so, पहली जो बात करते हैं वो बम्भीतका रॉक शेल्टर्स की बात करते हैं ठीक है वी एस वकनकर ने जो है वो एक्सकविशंस की मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये है ठीक है यहाँ पे जो है वो आपको 600 रॉक शेल्टर्स जो है वो मिलते हैं और इसके अंदर जो है वो एक विजुअल नरेटिव काइंड ऑफ आर्ट जो है वो मिली जा मिल जाती है जो कि बेसिकली आपको उनकी सोशल लाइफ के बारे में जो है वो बताती है ठीक है और इसके अंदर इट इज़ करैक्टराइज बाय फाइन लाइंस, ठीक है वाइब्रेंट नेचुरल कलर्स और आपके पास जो ज़्यादातर पिगमेंट यूज़ हुआ है दैट इज़ रेड एंड वाइट ओके तो आपके पास बहुत सारे जो है वो इट इज़ डिवाइडेड इनटू दी बहुत बड़ा जो है वो वाइड अरे है सब्जेक्ट्स का और आपके पास जो है वो हंटिंग सीन्स सोशल रिचुअलिस्टिक सीन्स ये सारे जो है इसके अंदर देखे जाते हैं या फिर देखे जा सकते हैं ठीक है तो आपके पास ये बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है ठीक है जो लास्ट आपके पास ये आपका पॉइंट रहेगा ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ सिग्निफिकेंस ये बताता है कि आपके पास कम्युनल एक्टिविटीज इंडिया के अंदर शुरू हो गई थी मिजोलिथिक पीरियड के अंदर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बननी शुरू हो गई थी और उसी के साथ जो है वो फेस्टिवल्स भी रिचुअलिस्टिक इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होने शुरू हो गए थे दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ द मिजोलिथिक आर्ट और मिजोलिथिक रॉक आर्ट इन बम्भीत का फिर उसके बाद मिर्जापुर के अंदर मिर्जापुर के अंदर मटपाल डॉक्टर मटपाल ने जो है वो इसकी एक्सकबिशंस uh, की और ये जो है साइट इट इज़ रिनॉन्ड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी और उसी के साथ जो है वो हाउसेस रॉक आर्ट जो है वो इसके अंदर मिलती है ठीक है डिपिक्टिंग द सीन्स रिफ्लेक्टिंग द डेली लाइफ ऑफ द मिजोलिथिक कम्युनिटीज और ये बेसिकली हमें इंसाइट्स देता है कि वो किस तरह से हंटिंग कर रहे थे फिशिंग कर रहे थे फिशिंग सीन्स हंटिंग सीन्स यहाँ पे हैं ठीक है और ये उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में उस सोसाइटी के बारे में जो है वो हमें बताता है उसी के साथ एनिमल फिगराइंस जो हैं वो इसके अंदर बनाई हुई हैं और वेरी फेयरली ड्रॉन ठीक है ये जो है वो आपके पास आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो बताता है दैट हाउ फेमिलियर दे आर विद देयर एनवायरमेंट ठीक है और बेसिकली इट डिपेंड्स कि एक सोशल एक्टिविटीज जो है वो ऑर्गेनाइज होनी स्टार्ट हो गई थी अगर सोशल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होनी स्टार्ट हो गई थी सो माइट बी देर शुड बी अ लीडरशिप एक लीडरशिप का या फिर एक लीडर का फॉर्मेशन भी और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो चुका होगा ठीक है तो आपके पास ह्यूमन एनिमल इंट्रैक्शन एक शुरू हो गया था रिचुअलिस्टिक सीन्स जो है वो आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि ऑब्वियसली बताता है कि प्रॉपर कल्चरल फॉर्मेशन मिजोलिथिक पीरियड में आपको मिर्ज़ापुर के आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है फिर उसके बाद जो है वो चतुर्भुजनाथ नाला गुजरात के अंदर ठीक है आर वी जोशी ने इसके अंदर जो है वो मिजोलिथिक जो रॉक आर्ट है उसके अंदर एक्सकबिशनस की हैं देखा जाता है कि बेसिकली आपके पास जो है वो इनग्रेव्ड इमेजेस हैं यहाँ पे। सिर्फ पेंटिंग नहीं मिली है सिर्फ पेंटेड इमेजेस नहीं हैं इन्ग्रेव्ड इमेजेस भी यहाँ पे मिली हैं जो कि बेसिकली आपको आर्टिस्टिक फाइननेस के बारे में बताता है ठीक है उसी के साथ ये जो साइट है डांसिंग सीन्स के लिए बहुत राउंड साइट है ठीक है उसी के साथ जो है वो हंटिंग सीन्स और एनिमल फिगराइंस तो दिखाई देते हैं लेकिन डांसिंग सीन्स जो हैं वो इसकी यूनिकनेस है फिर उसके बाद जो है द रिसर्च इट हैज शेड लाइट ऑन द वेरियस एनिमल फिगर फिगर्स दैट हैज़ बिन डिपिक्टेड जो कि बेसिकली जो है वो बताता है कि आप जो है वो कितने अवेयर थे जो इंसान था वो कितना अवेयर था अपने सराउंडिंग्स के रिगार्डिंग ठीक है तो आपके पास जो है ये बेसिकली बताता है कि किस कितनी वाइब्रेंट लाइफ उनकी हुआ करती थी कि नाच गाने के लिए भी उनके पास टाइम था देखिए नाचना गाना दीज आर द लेजर एक्टिविटीज़ दीज लेजर एक्टिविटीज इफ दे आर हैपनिंग इन दी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज इट मीन्स दैट हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी हैव अ गुड कमांड ओवर देयर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं इनोवेशन्स हैं बहुत अच्छे तरीके से वो इवॉल्व कर गई है इस्टेब्लिश कर गई है गॉट द पॉइंट भी बात समझ में आ रही है सबको ठीक है तो बेसिकली जो है ये अगर चीज़ें इस तरह की आपको दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत कंफर्टेबली जो है हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी रह रही है कि उनको नाचने के लिए गाने के लिए टाइम मिल रहा है ठीक है तो इसका मतलब है कि दोज पीपल वर वेल टू द इन्वायरमेंट्स ठीक है उनकी जो लाइफ थी वो बहुत वाइब्रेंट थी उनके पास जो है वो आर्टिस्टिक पावर्स थी जो आपके पास सोशो कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं दे वर वेरी वाइब्रेंट इन दिस रीजन फिर उसके बाद हजारीबाग झारखंड के अंदर यहाँ पे हाउसेज बेसिकली so जो है वो इट हाउसेज दी अबंडेंस ऑफ द रॉक आर्ट ठीक है सो so, आपके पास जो है वो मिज़ोलिथिक आर्ट दैट इज़ फाउंड एयर इसके अंदर जो है वो आपके पास एनिमल ह्यूमन फिगराइंस हंटिंग सीन्स ये जो है वो सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पे भी जो है वो एनिमल्स देखे गए हैं एनिमल्स के जो है वो आपके पास एनिमल्स को हाईलाइट किया गया है जैसे आपके पास एलिफेंट हो गए डियर्स हो गए कुछ बोवाइंस हो गई ठीक है और उसी के साथ जो है वो आपके पास हंटिंग गैदरिंग सीन्स हैं बो एंड एरो के साथ हंटिंग करने वाला जो है वो सीन्स किए हुए हैं लार्ज गेम हंटिंग को जो है वो डिपिक्ट किया गया है जो कि ऑब्वियसली जो है वो इनके अंदर जो सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी इनका इन्वायरमेंट इतना वाइब्रेंट था उन सारी चीज़ों को ये बताती है देन उसके बाद कुपगल्लू हिल्स इन कर्नाटका ठीक है डॉक्टर बी एल बी एल मल्ला ने जो है वो इसको बताया है बेसिकली इट अगेन हाउस अ वायटी ऑफ द रॉक आर्ट एंड इट डेट्स बैक टू दी मिजोलिथिक पीरियड इसके अंदर अगेन हंटिंग गैदरिंग सीन अमेरिक एनिमल डिपिक डिपिक्शनज ह्यूमन फिगराइंस इनके बारे में जो है वो बात की गई है अगेन इन्वायरमेंट बहुत इनका डाइवर्स था जो बेसिक हंटिंग गैदरिंग सबसेस्टेंस स्ट्रैटेजीज थी इनके अंदर जो है वो मिल मिली हुई थी ठीक है वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर हैं देन उसके बाद ऑडिटोरियम के भंभीतका के अंदर इसके अंदर बेसिकली डेली लाइफ के सीन्स देखे गए हैं हंटिंग गैदरिंग के डांसिंग के सीन्स जो है वो देखे गए हैं जो कि बेसिकली इट्स अ टेस्टमेंट टू तो द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द होमोसेपियन दैट लिफ्ट देयर ठीक है जी सो so, आपके पास दिस इज इट सो ये जो है ये आपके पास अलग अलग मैंने साइट्स के एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं बम्बीतखा का एग्ज़ाम्पल लिया है मिर्ज़ापुर का है चतुर्भुजनाथ नाला गुजरात के अंदर है हजारीबाग झारखंड का एग्ज़ाम्पल लिया है कुपगुल्लू हिल्स कर्नाटका का एग्ज़ाम्पल लिया है ऑडिटोरियम के ऑडिटोरियम केव्स बम्भीतका का एग्ज़ाम्पल लिया ठीक है और बेसिकली इससे मैंने यही समझाया है कि क्या किस तरह का आर्ट जो है वो देखा गया या वहाँ पे ठीक है तो इसका इंटरपटेशन क्या किया जा सकता है इंटरप्रटेशन ये किया जा सकता है कि जो आपके पास सबसे कॉमन सब्सिस्टेंस एक्टिविटी चल रही थी वो इनके अंदर हंटिंग गैदरिंग चल रही थी ठीक है ज़्यादातर हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स जो है वो अगर हम प्री हिस्टोरिक पास्ट की बात करें तो लोअर पेलियोलिथिक के अंदर हम नहीं मानते कि कुछ डांसिंग एक्टिविटीज़ हो रही होंगी कुछ आपके पास जो है वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम्यूनली खुश होंगे बिकॉज हम मानते हैं कि हंटिंग है, गैदरिंग के अंदर जब लोअर पेलोलिथिक की बात की जाती है मिडिल पेलोलिथिक की बात की जाती है सो दे हार्डली हैड दैट मच कैपेसिटी टू सस्टेन देम ठीक है तो क्योंकि सस्टेनेंस ही प्रॉपर नहीं है तो कहाँ पे टाइम मिलेगा भाई कहाँ पे ये लेजर एक्टिविटीज करेंगे वो लोग ठीक है तो बेसिकली मिज़ोलिथिक के अंदर खास करके इंडिया का फ्लोरा फ़ौना इंडियन की इंडिया की बायोडावर्सिटी इतनी ज़्यादा थी और इंडिया के अंदर देवर सो मच टू दी इन्वायरमेंट दे हैड दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जिसकी वजह से वो अपने रिचुअल्स को हंटिंग गैदरिंग के साथ जो, साथ, साथ जो है वो फॉलो कर पा रहे थे डांस भी कर रहे थे ठीक है प्रॉपर क्रम्यल एक्टिविटीज़ भी थी प्रॉपर रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ भी थी ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट थी ठीक है सो हंटिंग गैदरिंग वो कर रहे थे बट उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी इट वाज वेरी पावरफुल इट वाज वेरी सक्सेसफुल ठीक है जी फिर उसके बाद फ्लोरा एंड फोना के बारे में बात होती है फ्लोरा एंड फोना के अंदर जो है वो अगेन बहुत बड़ी बायोडावर्सिटी देखी जाती है एलिफेंट्स डियर्स वाइन्स डिफरेंट काइंड Kind of combines, वो देखे जाते हैं फिर उसके बाद ह्यूमन फिगराइंस एंड देयर सोशल लाइफ ठीक है ये तो ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया के अंदर मीजोलिथिक के अंदर ही आपके पास एक कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन जो है वो हो गया था ठीक है हंटिंग गैदरिंग डांसिंग कम्युनल एक्टिविटीज जो है देवर प्रेजेंट फिर उसके बाद सिम्बॉलिज्म एंड एबस्ट्रैक्ट आर्ट इट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया आपके पास जो है कुछ आर्ट ऐसे मिले हैं कुछ आपके पास इमेजेस ऐसी मिली हैं दैट डज नॉट कैटेगराइज इनटू द इधर इनटू द दी डेली लाइफ और इनटू द हंट इनटू द कम्युनल एक्टिविटीज़ और द रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ सो उनको जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर जो है वो रखते हैं और ज़्यादातर देखा जाता है दैट देर आर एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्टिक सिंबल्स इन ईच एंड एवरी रिलीजन तो हम जो है वो कैटेगराइज करते हैं कि हो सकता है कि इनके अंदर भी ऐसे जो है वो रिलीजन्स का डेवलपमेंट हो गया हो फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर के अंदर ऐसे जो सिम्बल्स हैं एब्सट्रैक्ट सिम्बल्स आपको बहुत सारे मिले हैं ओके okay? देन उसके बाद टेक्नोलॉजिकल पावर्स सॉरी टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस एंड आर्टिस्ट्री ठीक है तो अगेन दीज फिगर्स दे स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट देयर आर्टिस्टिक स्किल्स ओके सो देन उसके बाद इसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं पहला प्रोस्पेक्टिव जो है पहला जो इंटरप्रटेशन है वो आता है नन अदर देन वी एस वकनकर वो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया सो ही एम्फोसाइज दैट बंभीतका रॉक आर्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज उनका क्या लाइफ थी उनका क्या कल्चर था उनका क्या एनवायरनमेंट था उसके अंदर आपको काफी डीप इंसाइट जो है वो मिल जाते हैं ठीक है इट इज लाइक अ बुक देखो दिक्कत क्या होती है मेजर आर्कोलॉजी के अंदर दिक्कत क्या है कि लेट से कल को किसी ने जो है वो अकेडमी को लेट से जिस एकेडमी के अंदर मैं बैठा हूँ लेट से सिविलाइजेशन खत्म हो गई और फिर जो है वो आर्कोलॉजिस्ट आए उन्होंने की उनको ये रिमोट मिल गया इसी का तो इवेंचुअली उनको क्या पता चलेगा दे प्रोबेबली दे विल नॉट नो इंग्लिश उन्होंने उन, उन्होंने देखना है कि ओके okay, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे और इस तरह से ये जो है वो कुछ बना हुआ है तो वो जो है वो किसी भी तरह से इसका इंटरप्रटेशन कर सकते हैं अनलेस और अनटिल यू विल टेल दैम कि दैट इट्स अ रिमोट और बताने का क्या तरीका होगा बताने का तरीका होगा कि मैं एक पिक्चर बना दूंगा ए के सामने बैठा होगा और मेरे हाथ में यह रिमोट रहेगा ठीक है तो फिर जो है वो आप इसका नियर इंटरप्रटेशन कर सकते हैं हो सकता है कि कोई कहे कि हो सक कि सी को जो है वो किसी टी वगैरह की तरह कुछ एंटरटेनमेंट वाले चीज़ों की तरह जो है वो इसके इंटरप्रट करें ठीक है तो दिक्कत जो है वो आपके पास इंटरप्रिटेशन में आती है कई बार आपको जब सिर्फ और सिर्फ टूल मिल जाते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको आपको आर्कोलॉजिकल मोन्यूमेंट मिल जाती हैं उसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट है बट ओन अदर हैंड वेन यू हैव द आर्ट फॉर्म्स यू हैव दॉक आर्ट यू हैव द रिटन मेटीरियल जिसको आप डिसाइफर कर सको जिसकी स्क्रिप्ट को आप डिसाइफर कर सको देन इट इज योर हेल्पिंग हैंड फॉर श्योर यू कैन से जो है वो इस तरह से होता होगा ठीक है पार्ट ऑफ हिस्ट्री नहीं तो सारी चीजें एक मेथोलॉजी जैसी लगती हैं। इसके अंदर मैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देता हूं जो आपके पास ग्रेट बात ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है ठीक है वहाँ पे उनको जो है वो एक स्विमिंग पूल जैसा कुछ मिला ठीक है तो जब एक्सकविशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार ये हो क्या सकता है एंड इवेंचुअली जो आपके पास ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बात कही कि इंडियंस जो हैं वो इनकी सोशो कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर नहाने का बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है तो हो सकता है कि ये स्विमिंग पूल हो अब किसी को क्या पता कि वो क्या चीज़ है अभी तक नहीं पता चला किसी को ठीक है दैट वट इट इज कि हो सकता है कि शायद पनिशमेंट देते हो वहाँ पे नीचे बैठ के हो सकता है कि वहाँ पे किसी चीज़ की बलि दे दी जाती हो ठीक है सो वी डू नॉट नो दैट जब आपको सिर्फ एक चीज मिल जाती है एक आर्टिफैक्ट पता चल जा मिल जाता है अनटिल और अनलेस यू हैव डिपिक्शन ऑफ दैट आर्टिफैक्ट यू कैन नॉट से वट इट इज फॉर श्योर ओके okay. तो आपके पास जो है ही एडवोकेटेड कि आर्ट आपको बहुत अच्छे देती है एक मुर्गी बनी हुई है एक मुर्गी की फोटो है उसको आप मुर्गी की तरह ही जो है वो समझाओगे सो आपके पास जो है सिमिलरली यशोधर मथपाल वो ही एक्सक्यूटली उन्होंने जो है एक्सटेंसिवली स्टडी किया है सेंट्रल इंडिया के अंदर और उन्होंने वही बात जो है वो कही है कि इनके हंटिंग गैदरिंग लाइफ के ऊपर इन कम्यूनिटीज़ के अंदर जो है वो हमें बहुत जो इंसाइट्स uh, जो है वो मिलते हैं ठीक है फिर उसके बाद जो है वो न्यू न्यू मेयर तो वो जो है वो बताते हैं ही नोटेड दैट ही नोटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन द पीरियड्स एंड द रीजन्स बेसिकली जो है वो अगेन बताते हैं कि ये जो है वो चीज़ें प्री हिस्टोरिक कल्चर की डाइवर्सिटी को जो है समझाती होंगी ठीक है सो दीज आर द दर्स्पेक्टिव ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट देन यू यू विल कंक्लूड फिर अगला सवाल आता है दैट इज़ टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन इंडियन पेली इंडस्ट्री विद रेफरेंस टू दी एनवायरमेंटल हाइपोथिसिस ठीक है जी इसको इंट्रोड्यूस किया कि पेली इंडस्ट्री इन इंडिया इसके अंदर जो है इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द इट कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज रिच प्री हिस्टोरिक कल्चरल हेरिटेज इसके अंदर जो है वो अलग अलग टूल्स हैं आर्टिफेक्ट्स हैंक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा इट रीप्रजेंट द टेक्नोलॉजिकल एंड द कल्चरल अडेप्टशन अर्ली ह्यूमन बींग्स टू डी डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन ओवर अ थाउजेंड ई ईयर्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाट इज द इन्वायरमेंटल हाइपोथीसिस ठीक है सबसे पहली चीज हमारे दिमाग के अंदर है वो यही है कि इन्वायरमेंटल हाइपोथीसिस आखिरकार चीज क्या है ठीक है तो आपके पास जो है वो एन्वायरमेंटल हाइपोथीसिस बेसिकली सेज कि आप दैट देर आर द चेंजेस इन द टूल टेक्नोलॉजी और द टूल टाइपोलॉजी जब आपके पास जो है वो एनवायरमेंट्स के अंदर शिफ्ट होते हैं जब इन्वायरमेंट लेट से आप यू आर इन अ हॉट इन्वायरमेंट यू आर इन अ हॉट एंड एरिड इन्वायरमेंट ठीक है जिसके अंदर मॉइस्चर जो है वो बहुत कम है ऑब्वियसली यू नीड मोर शार्प टूल्स क्योंकि आपके पास जो ग्राउंड है इट इज़ बहुत हार्ड होगा तो उसको उसकी खुदाई करने के लिए जो भी ट्यूबर्स आपको ढूंढनी है आपने उनकी खुदाई करने के लिए आपको बहुत शार्प टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी बट ऑन दी अदर हैंड लेट से द एनवायरमेंट इज हॉट प्लस ह्यूमिड ठीक है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और आपके पास एनवायरमेंट अभी भी हॉट है और उसी के साथ जो है वो बिकॉज इट विल लीड टू दी एनहांसमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं सो इट विल नॉट नीड दैट मच शार्पनेस और दैट मच टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ठीक है गॉट द पॉइंट तो बेसिकली दोनों इन्वायरमेंट्स ने ये डिटरमाइन किया कि आपके टूल्स कैसे होंगे दिस इज द बेसिस ऑफ द इनवायरमेंटल हाइपोथिस ओके सो दिस हाइपोथिसिस सजेस्ट दैट द वेरिएशंस अब्जर्वड इन द लिथिक असेंबलेज अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स एंड द टाइम फ्रेम्स ये उनके एनवायरमेंटल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसा रॉ मटेरियल अवेलेबल है और आपके पास जो है वो फ्लोरा एंड फोना कैसा अवेलेबल है ठीक है सो एन्वायरमेंटल डिटर्मिनीम थ्यूरी ये इसी चीज को जो है वो बताती है ठीक है सो फॉर इंस्टांस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस कोल्ड द पेलीथिक कम्यूनिटीज़ माइट हैव इनोवेटेड दी न्यूल न्यू टूल टाइप्स और टेक्निक्स फॉर द सर्वाइवल इन दी हंटिंग गैदरिंग जो कि हॉट क्लाइमेट्स के अंदर नहीं होता होगा ओके okay? अब जो है वो हम इंडियन केसेस की बात करते हैं और उन उन इंडियन केसेज को स्टडी करते हैं कि कौन कौन से जो है वो टूल टाइपोलो टा, टाइपोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें आ रही है इन्वायरमेंटल हाइपोथीसिस की वजह से बिकॉज इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि आप यूरोप के इन्वायरमेंटल चेंजेस को पकड़ो इंड और इंडियन पेलोलिथिक के अंदर लगा दो इंडियन पेलुलिथिक के अंदर मेजरली जो यूरोपियन हाइपोथिस हैं यूरोपियन क्लाइमेटिक हाइपोथिसिस हैं जो रिस वर्म मिंडल वाले जो कि सारे के सारे आ, जो ग्लेशियल और इंटरा ग्लेशियल चेंजेज़ होती हैं यूरोप के अंदर वो इंडिया के अंदर प्राइमरीली जो है वो सीधा सीधा लागू नहीं होती हैं जो पहली आपके पास कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन आती है जिन जिसने सोहन वैली को एक्सकेवेट किया जिसने जो है वो बहुत सारे पेलियोएंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोपलॉजिकल एक्सकविशन की इंडिया के अंदर उस एक्सकेवेशन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही रहा है कि उन्होंने यूरोपियन क्लाइमेटिक प्रिंसिपल्स को लिया और उन्होंने इंडिया के अंदर सुपर इम्पोज कर दिया उन चीज़ों को इसीलिए जब आप सोहन वैली की डायग्राम्स बनाते हो तो सोहन वैली की डायग्राम्स के अंदर आप ग्लेशियर इंट्रा ग्लेशियल पीरियड्स को लिखते हो बिकॉज दिस इज हाउ दे डिसाइफर्ड इट कि ऐसा होता होगा इंडिया के अंदर बट ऐसा शायद नहीं हुआ इंडिया के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इसकी इंडिजीनियस या फिर इसके जो है वो इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंटरनल जोग्राफिकल जियोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं बिकॉज ऑफ हिमालयास हिमालयास जो है वो आपको आइसोलेशन देता है टू दी अदर वर्ल्डली जो भी आपके पास डिस्टर्बेंसेज क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेज हो रही हों ऑन दी अदर हैंड इंट्रूजन भी है ड्यू टू दैस्टर्स ठीक है वहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती हैं वेस्टर्लीज आती हैं वेस्टर्लीज इंडिया के अंदर इंट्रूड भी करती है तो इंडिया बेसिकली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेटेड रहा है इंडिया में डिस्टर्बेंसेज हैं वेस्टर्लीज के अंदर बट दोज डिस्टर्बेंसिज दे प्राइमरीली फोकस ऑन दी नॉर्थ इंडियन रीजन जिसकी वजह से सोहन वैली का जो टूल टेपोलॉजी है दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडियन तो। शिमला तक वो जो, वो जो टूल टाइपोलॉजी है, है नीचे बिल्कुल जो है चीजें डिफरेंट हो जाती हैं सो so, बाहर के क्लाइमेटिक वेरिएशंस का इफेक्ट होता है इंडिया के ऊपर बट मानसून की वजह से और हिमालय की वजह से जो बाकी का रीजन है उनके अंदर अलग अलग इफेक्ट्स जो है वो देखे जाते हैं तो इंडिया के अंदर पेलुलिथिक में खास करके खास करके पेलुलिथिक के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बहुत सालों तक हमें यही लगता रहा कि मिडिल पेलुलिथिक शायद इंडिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता ठीक है क्योंकि कुछ खास मिल ही नहीं रहा था कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी यूरोप के अंदर यूनिफॉर्मिटी है सो so बेसिकली जो है वो उन्हीं चीजों के बारे में बात की गई है ठीक है तो आपके पास रिसर्च बाय द आर्कोलॉजिस्ट वी एन मिश्रा ये जो है वो राजस्थान के अंदर इन्होंने बात की है वो जो है वो वही बात कहते हैं वाइल दी एनवायरमेंट वॉज हार्श एंड एरिड देर वॉज रिच डाइवर्सिटी ऑफ द पेली टूल्स ठीक है सजेस्टिंग दैट द इन्वायरमेंट मे नॉट बी ओनली द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द टूल टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे जो है वो आपके पास माइग्रेशन भी हुए हैं खास करके राजस्थान के रीजन के अंदर ठीक है सो so ये जो है वो आपके पास केस स्टडीज़ हैं एक एक केस स्टडी को हम डिस्कस करेंगे ठीक है वीएन मिश्रा का जो ज़्यादातर काम है वो राजस्थान गुजरात के रीजन के अंदर फोकस्ड है ठीक है और वीएन मिश्रा ने जो हाइपोथाइज किया है वो यही हाइपोथाइज किया है कि उस टाइम के ऊपर लोअर जब पेली एज होती होगी तो उस टाइम के ऊपर जो गुजरात राजस्थान का क्लाइमेट है दैट वुड बी एरिड क्लाइमेट तो वहाँ पे जो है वो जो ज्यादातर टूल टेक्नोलॉजी आई है दैट इज़ नॉट इंडिजीनियसली बिल्ट अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंटल कंडीशन बट माइग्रेशन से आई है जो भी टूल टेक्नोलॉजी आई है वहाँ पर ठीक है एंड अगेन यहाँ पे जो है गुजरात राजस्थान के अंदर जो पॉपुलेशन और दी ट्रडिशन्स दे आर वेरी स्कॉर्स फिर उसके बाद जो है वो सिमिलरली सोहन वैली पंजाब रीजन के अंदर डी के भट्टाचार्य का काम है और उन्होंने जो है वो बहुत सारे फ्लेक टूल्स और कोर टूल्स को जो है वो देखा है जो कि अगेन आपके पास जो है इंटायरली इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज़म के साथ जो है वो अलाइन नहीं करता है ठीक है सजेस्टिंग दैट देर आर कम्पलेक्स पिक्चर्स ऑफ द टूल मेकिंग स्ट्रेटजीज दैट माइट नॉट और मे नॉट अलाइन विद द एनवायरमेंटल डिटर्मिनीज़म ठीक है तो आपके पास जो है वो पंजाब के रीजन के अंदर भी सोहन वैली के रीजन के अंदर भी देर वर माइग्रेशन माइग्रेशन के साथ साथ कुछ इंडिजिनियस डेवलपमेंट्स हैं और उसकी वजह से जो है वो आपके पास आ, और ये जो माइग्रेशन हुई हैं ये ज़्यादातर ऊपर वाले नॉर्थ इंडिया के रीजन के रीजन के अंदर ही हुई हैं ठीक है जिसकी वजह से आपके पास जो फ्लेक हैं और कोर टूल्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट ठीक है तो उत, इतने ज़्यादा शार्प टूल्स का जो है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी जितने जो है वो आपके पास शार्प टूल्स जो है वो मिल गए हैं यहाँ पे तो ऑब्वियसली जो आ, पहली लेवल है स्टेट जो आपके पास आ, पहला लेवल या फिर दूसरा लेवल जो देखा जाता है वहाँ पे कुछ इंडिजिनस डेवलपमेंट्स देखी जाती हैं बट आफ्टर दैट देर आर माइग्रेशन्स ठीक है ड्यू टू दो माइग्रेशन्स आपके पास जो है वो अगेन इन्वायरमेंटल सिक्वेंस इनके अंदर नहीं और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनीज़म इसके अंदर नहीं देखा जाता है सिमिलरली आपके पास जो है वो पजी, पी अजीत प्रसाद का जो है वो काम है गुजरात के अंदर सो so, उन्होंने कहा है कि गुजरात के अंदर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल इट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द लिथिक इंडस्ट्री Here the choice of the tool technology could not be solely attributed to the environment कि environment जो था वो बहुत ज़्यादा arid था जिसकी वजह से simply ऐसे tools मिले हैं वो कहते हैं कि द रॉ मटीरियल दैट इज प्रेजेंट हेयर इट इज़ नॉट द चिस्ट और इट इट दे आर बेसिकली आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स दे आर प्रेजेंट मार्बल इज़ प्रेजेंट there तो ड्यू टू those रॉक्स इतने जो गंदा रॉ material प्रेजेंट है उसकी वजह से वो जो आपके पास बहुत तीखे टूल्स हैं वो जो फाइनली क्राफ्टेड टूल्स हैं वो यहाँ पे नहीं बन सकते थे तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को पकड़ के जो है वो आप टूल टाइपोलॉजी को कंसिडर नहीं कर सकते ठीक है गॉट द पॉइंट फिर ठीक है उसके अंदर जो है वो माइग्रेशन भी आती हैं पहले दो एग्ज़ाम्पल्स माइग्रेशन के हैं तीसरा एग्ज़ाम्पल जो है वो अगे इट इज़ फ्रॉम द रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद देर आर स्टडीज कंडक्टेड बाय रवि कुरस्टर तो उन्होंने जो है वो करनूल के अंदर स्टडी की है सो so उन्होंने भी यही बात की है दैट देर इज़ इंटरप्ले बिटवीन मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कॉग्निशन, कि कहाँ पे इंसान का जो दिमाग है वो ज़्यादा डेवलप्ड था और कहाँ पर कम डेवलप्ड था इन द डेवलपमेंट ऑफ द लिथिक टेक्नोलॉजीज और आपके पास उन्होंने सजेस्ट किया है दैट देयर शुड बी मल्टी कॉजल अप्रोच दैट शुड बी फॉलोड इन इंडिया रादर देन द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म फिर उसके बाद शैला मिश्रा का काम है पेली साइट्स के अंदर इन सोहन रिवर तो उन्होंने अगेन जो है वो उनके जो हाइपोथीसिस हैं उनकी जो फाइंडिंग्स हैं दे डू नाट सीम टू अलाइन विद दी इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स ठीक है तो अगेन वो कहते हैं कि कहती हैं कि देर आर कम्प्लेक्स सैनैरियोज और देर आर कम्पलेक्स फैक्टर्स जो कि आपके पास आपकी टूल टेक्नोलॉजी को समझाते हैं टूल टेक्नोलॉजी के अवेलेबिलिटी को जो है वो बताते हैं देन एस एन राजू परवारा रिवर के अंदर काम है और पाध्या का जो है वो संगी वैली के अंदर काम है अगेन आपके पास जो है वो उन्होंने

और देयर आर डिफरेंसेस तो इसका मतलब है कि एक ह्यूमन कोगनीशन का भी फैक्टर रहता है आपकी चॉइसेस आपकी पसंद नापसंद का भी जो है वो एक फैक्टर रहता है कि आप कौन सी टूल को उठाने वाले हो ठीक है थस अक्रॉस द वेरियस रीजन ऑफ इन इंडिया फ्रॉम राजस्थान टू पंजाब गुजरात आपके पास ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशन uh, को ध्यान में रखते हुए जो है वो आप टूल्स को जो है वो आपको नहीं उठाया आपने टूल्स का जो है वो चॉइस नहीं किया रादर रादर देयर वर फैक्टर्स इन इट गॉट द पॉइंट भाई बात समझ में आ गई एनीबॉडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन हियर इस सवाल के अंदर किसी को किसी तरह का डाउट आया हो एवरीथिंग इज क्लियर वट इज इन्वायरमेंटल हाइपोथीसिस ये समझ में आ गया सबको इन्वायरमेंटल हाइपोथीसिस कि आपके पास जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज करता है जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज करता है विद द चेंज ऑफ दी इन्वायरमेंट आपकी जो टूल चॉइस है या फिर जो आपकी टूल टेक्नोलॉजी है ये भी जो है वो चेंज कर जाती है इट ऑल्सो चेंजेस ठीक है तो बेसिकली एनवायरमेंट जैसे ही चेंज होता है तभी आप जो है वो पेलीथिक लोअर पेल्युलिथिक मिडल पेलीथिक अपर पेलीथिक ये बनाते हो ठीक है लोअर पेलीथिक लोअर पेलीथिक तब आपके पास है जब ज़्यादातर एनवायरमेंट जो है वो अफ्रीका के अंदर जो ज़्यादातर एनवायरमेंट है दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड और वो धीरे धीरे जो है वो एरिडिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है मिडल पेलुलिथिक के अंदर आपके पास इन्वायरमेंट एरिड हो जाता है ठीक है तो जैसे जैसे इन्वामेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये देखा जाता है कि वैसे वैसे आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो आने शुरू हो जाते हैं अब मैं यहाँ पर डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ कि रिस्क कब हुआ वर्म कब था मिंडल कब था एक्सेट्रा एक्सेट्रा उन जोलॉजिकल चेंजेस के अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं जो आ, ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड्स कब हुए एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरा मैं उस एनवायरमेंटल हाइपोथीसिस को यहाँ पे नहीं समझाऊंगा सिर्फ ये बात है कि आपके पास जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तब इन्वायरमेंट चेंज होने से या फिर जो क्लाइमेट है उसके चेंज होने से ये जनरली देखा जाता है कि टूल टेक्नोलॉजी वो भी बदल जाती है ठीक है अफ्रीका के अंदर ये देखा जाता है यूरोप के अंदर ये देखा जाता है बिकॉज एक तो है इन्वायरमेंटल यूनिफॉर्मिटी है वहाँ पे दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो पापोलेशन हैं दे आर कंपैरेटिवली आइसोलेटेड फ्राम ईच अदर जिसकी वजह से माइग्रेशन कॉन्टैक्ट दे आर वेरी डिफ़िकल्ट ठीक है तो वहाँ पे ये जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनीम के हाइपोथिस हैं कुछ हद तक लग जाते हैं और उन्हीं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनीज़म को उठा के जो है वो हम इन चीज़ों को डिवाइड करते हैं लोअर पेलीथिक बना दिया मिडिल पेलीथिक बना दिया अपर पेलीथिक बना दिया ठीक है तो आपके पास जो है वो पेलुलिथिक टूल टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर इस एनवायरमेंटल हाइपोथीसिस को सही करार नहीं करती क्यों नहीं करती माइग्रेशन की वजह से इंडिया के अंदर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हैं वी मिश्रा ने साफ साफ राजस्थान के अंदर गुजरात के अंदर काम करके ये दिखाया है कि वहाँ पे इंडिजीनियस पॉपुलेशन नहीं थी बाहर से पॉपुलेशन आई हैं पंजाब से पॉपुलेशन आई हैं सेंट्रल इंडिया से सोहन वैली से पापुलेशन आती हैं और वहाँ पे आके बस जाती हैं बिकॉज वो जो एक कंटिन्यूटी है टूल्स की वो देखी जाती है द टूल्स दे आर नॉट प्रॉपरली और नॉट प्रॉपरली इन सिंक विद द इन्वायरमेंट वैसे टूल्स मिले हैं ठीक है फिर उसके बाद अगली चीज़ जो है वो अगेन सोहन जो है वो सोहन वैली इन पंजाब अगेन इसके अंदर भी माइग्रेशन है ऐसा नहीं है कि कुछ इंडिजीनियस डेवलपमेंट है ही नहीं इन्वायरमेंट के साथ कुछ सिंक के अंदर बैठ ही नहीं रहा बट दोनों साइड्स के अंदर देर आर सर्टन टूल्स जो कि एन्वायरमेंटल थीसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि एन्वायरमेंटल डिटर्मिनिजम को रिजेक्ट कर रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद जो है वो अजीत प्रसाद की स्टडी आ जाती है ठीक है वो रॉ मटेरियल को इसका जो है वो मेजर कारण मानते हैं फिर उसके बाद जो है वो रवि की स्टडी है वो कहते हैं दैट देर इज ह्यूमन कॉग्निशन ऑल्सो ह्यूमन कॉग्निशन का मतलब ये नहीं है कि कोई मंदबुद्धि है कोई किसी के पास अकल ज्यादा है ह्यूमन कॉग्निशन का मतलब है आपकी प्रेफरेंसेस इसी चीज को और आगे जो है वो डॉक्यूमेंट किया है हमने विद द हेल्प ऑफ एस एन राजगुरुज परवारा स्टडी और के पाध्याज होसांगी वैली स्टडी सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं बट देयर इज डाइवर्सिटी देयर आर डिफरेंसेस इन द टूल टेक्नोलॉजी गॉट द पॉइंट तो आपके पास जो है वो इस तरह से कई बार कई बार की ज्यादातर इंडिया के अंदर इनवायरमेंटल हाइपोथेसिस के हिसाब से आप लोअर पेलोलिथिक मिडिल पेलोलिथिक अपर पेलोलिथिक ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते जैसे यूरोप के अंदर डिवाइड किया था और डिवीज़न हुआ था गॉट द पॉइंट देन उसके बाद एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन इन इंडियन माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री मिजोलिथिक के अंदर जो है वो एनवायरमेंटल ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि नियोलिथिक के अंदर हुआ है ठीक है वट यू हैव सीन इन यूरोप इज ईस्ट ईस्टर्न एशिया इज कि आपके पास नियोलिथिक आया और आपने जो एनिमेंटल सॉरी एनिमल डोमेस्टिकेशन है वो कर दिया बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर ये मिजोलिथिक के अंदर ही शुरू हो गया ठीक है हो सकता है कि माइग्रेशन हुआ हो देर माइट बी अदर फैक्टर्स ऑल्सो ओके सो आपके पास जो है वो इंट्रोडक्शन इसका हम इस तरह से करेंगे कि जो माइक्रोलिथिक पीरियड है वो बीस हजार से लेकर चार हजार साल तक ये चलता है इंडिया के अंदर और आपके पास यहाँ पे छोटे स्मॉल स्टोन टूल्स जो है वो देखे जाते हैं और ये जो पीरियड है वो हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल से धीरे धीरे आपसीडेंट्री लाइफ को फॉलो करते हो एग्रीकल्चर शुरू करते हो इसी पीरियड के अंदर इंडिया में अब अलग अलग मैंने जो है वो केस स्टडीज़ बताई हैं केस जो है वो साइट्स बताई हैं जिसके अंदर एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है वो देखा गया है पहले है भागोर राजस्थान के अंदर वी एन मिश्रा ने काम किया है ठीक है मैं डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा भाई खुद पढ़ लेना ठीक है फिर उसके बाद जो है वो लंगनाज गुजरात के अंदर अहमदगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर दमदमा वेस्ट बंगाल के अंदर महागड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है तो दीज आर साइट्स ठीक है तो वी एन मिश्रा ने बेसिकली जो है वो अगेन आ, जो आ, कैटल हूव्स वग़ैरह जो है वो उनके इम्प्रेशन वगैरह देखे थे क्ले के अंदर ठीक है तो उन्होंने जो है ये एनिमल डोमेस्टिकेशन थ्योरी जो है वो बना दी थी ठीक है उसी के साथ जो है वो कैटल बोन्स वगैरह काफ़ी मिली थी और उसी के साथ आपके पास जो है वो बागौर राजस्थान के अंदर ही वी मिश्रा ने हाउसेज को भी क्लेम किया था कि उन्होंने जो है एविडेंसेस मिले हैं कि एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल शुरू हो गया था कुछ हाउसेस वग़ैरह जो या फिर झोपड़ी वगैरह उन्होंने बनानी स्टार्ट कर दी थी ठीक है सिमिलरली आपके पास जो है वो लंगनाज के अंदर भी अब देखो ये जो टूल टेक्नोलॉजी है सिमिलर ये वाली जो टू, टूल टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली इट इज नॉट इन सिंक विद है, तो यही चीजें जो है ये तो खैर मिजोलिथिक की बात आ जाती है अपर पिलीलिथिक का भी यही हाल है ठीक है फिर उसके बाद जो है लंगनाज गुजरात के अंदर जो है वो संकालिया का काम है एचडी संकालिया का काम तो अगेन जो है वो उन्होंने जो है वो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ लंगनाज के अंदर देखी हैं तो कुछ स्क्रेपर uh, वगैरह मिले कुछ जो है वो टूल्स मिले जो कि हो सकता है कि एनिमल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के अंदर काम आ रहे हों ठीक है फिर उसके बाद अहमद गढ़ की बात की जाती है एस मलिक का इसके अंदर काम है उन्होंने अगेन जो बोन्स हैं बहुत सारे बोवाइंस की तो उनको जो है वो एक्सकेवेट uh, किया है ठीक है तो आपके पास जो है वो देन उसके बाद आ, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये बताया है अहमदगढ़ के अंदर कि आपके पास जो टूल्स हैं वो हंटिंग गैदरिंग वाले हैं भी हैं और डोमेस्टिकेशन भी है दोनों चीज़ें हैं फिर उसके बाद दमदमा वेस्ट बंगाल की बात आ जाती है गुप्ता ने यहाँ पे जो है वो की हैं ठीक है और एक्सकीविशन के अंदर जो है वो अगेन एनिमल बोन्स मिली हैं कैटल की पिग्स की बोन्स मिली हैं बहुत सारे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन यहाँ पे देखा जाता है सो so, क्लियरली जो है वो आपके पास पेस्टोरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही थी फिर उसके बाद महागढ़ा आ जाता है ठीक है ऋषिकेश तिवारी की स्टडी है यहाँ पे, तो so, अगेन जो है वो उन्होंने बताया कि किस तरह से पेस्टोरलिज़म जो है वो यहाँ पर एविडेंस मिले हैं पॉट्री की डिस्कवरी मिली है पॉट्री चलती है न्योलिथिक के अंदर न्योलिथिक के अंदर जाके कहीं मिलती है पोट्री और वो भी जो है लेटर नियोलिथिक के अंदर मिलती है कहीं पे जाके यहाँ पे पहले ही मिल जा रही है मीजोलिथिक के अंदर मिली जा रही है तो माइक्रोलिथिक टूल्स के साथ साथ जो है वो आपके पास डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो जाती है और सो दीज आर द साइट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जी फिर उसके बाद वॉट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशन इन द यूरोपियन मिजोलिथिक ठीक है अब जो है यूरोपियन मिजोलिथिक के ऊपर एक सवाल पूछा गया था सो so, आपके पास जो है वो अगेन ट्रेडिशन की बात और मेजरली जो है वो चीज़ों को मैं समझा दूंगा आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाया जाएगा सो so, जो पहला ट्रेडिशन है दैट इज़ द मैगलोमोशियन ट्रेडिशन मैगलोमोशियन ट्रेडिशन ये जो है वो आपको डेनमार्क के अंदर मिलता है ठीक है आपके पास आर्कोलॉजिकल साइट है मैगलोमूस तो वहाँ से जो है वो मिलता है और इसकी अगर रेडियो कार्बन डेटिंग की बात की जाए इट इज़ बिटवीन नाइन टू सिक्स थाउजेंड और इसके अंदर बेसिकली आपको जो है देखने को मिला है कि किस तरह से रिवर्स लेक्स सी शोर्स इनको जो है वो एक्सप्लॉयट uh, किया गया है विद दी हेल्प ऑफ दी हंटिंग गैदरिंग एंड सम फिशरमैन ठीक है तो कुछ हंटिंग गैदरिंग कम्यूनिटीज़ और कुछ फिशिंग वगैरह जो है वो इनके अराउंड की जा रही थी और जो ज़्यादातर टूल्स यूज़ किए जा रहे थे वो फ्लिंट बेस्ड टूल थे फ्लिंट रॉ मटेरियल था और उससे जो है वो कुछ छोटे छोटे ब्लेड्स स्क्रेपर जो है वो बनाए जा रहे थे और जो कपड़े हैं वो एनिमल हाइड्स के जो है वो प्रिपेयर किए जा रहे थे और एनिमल हाइड्स से ही बकेट्स वगैरह जो है वो बनाई जा रही थी उसी के साथ जो है वो बोन्स एंटलर्स उनको जो है वो हरपूंस की तरह से फ़िश हुक्स की तरह से जो है यूज़ किया जा रहा था और उसी के साथ जो है वो बाब्ड बोन टूल्स जो भी है भी है यहाँ पर देखी, यह यह देखी जा सकती है उनके उसी के साथ बो एरोज़ पैडल्स ये सारी चीज़ें जो है कनोईज़ वगैरह ये सारी देखी जा सकती हैं यहाँ पर तो एक लाइफ स्टाइल यहाँ पे शुरू हो गया था ठीक है तो आपके पास जो है वो वुड वर्क धीरे धीरे जो है यहाँ पे शुरू हो गया था एक सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे देखी जाती है कि जस्ट इट वुड हैव बीन स्टार्टेड इन दी मेगलमोशियन कल्चर फिर उसके बाद जो है वो अजीलियन कल्चर आ जाता है तो अजीलियन कल्चर जो है वो फ्रांस और नदरन स्पेन के अंदर आपके पास देखा जाता है बारह हज़ार से लेके दस हज़ार साल तक ये यहाँ पे रहता है सो so, ये जो है वो आपके पास इट हैज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द एंड ऑफ द अपर पेली टूल टेक्नोलॉजी और एक जो है वो नई तरह की टेक्नोलॉजी जो है माइक्रोलिथ्स वाली वो जो है वो यहाँ पे आ जाती है सो so अगेन आपके पास ज्योमेट्रिकल टूल्स जो है यहाँ पे यूज होते हैं वुडन शाफ्ट जो है वो यूज़ होते हैं सो टू क्रिएट दी कम्पोजिट टूल्स ठीक है उसी के साथ जो है वो आपके पास बोन हरपूंस ये भी देखे जाते हैं सिंगल रो बाब वो देखे जाते हैं ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो बेसिकली यहाँ पे मैंने डायग्राम्स नहीं बनाए हैं भाई डायग्राम्स खुद बना लेना ठीक है फिर उसके बाद अजीलियन कल्चर की के अंदर ही जो है वो आपके पास आ, दी कुछ जो है वो एक पेंटेड पेबल्स जो है वो मिले हैं सो दीज दे वर टिपिकली अडोट विद द लाइंस एंड द डॉट्स आपको एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न जो है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं कुछ इसका मतलब है कि शायद कुछ सिंबॉलिक मीनिंग जो है इसके साथ जुड़ा हो कुछ पूजा पाठ जो है वो वहाँ पर चल रहा हो तो आपके पास नए नए रिसोर्सेज जो है वो आ जाते हैं बिकॉज़ यहाँ पे इट अकर्स बिटवीन द लेट ग्लेशियल टू दी पोस्ट ग्लेशियल पीरियड मतलब नए जो है वो uh, अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो आप जो है वो कोल्ड क्लाइमेट से वार्म क्लाइमेट की तरफ जो है वो जा रहे हो जिसकी वजह से रिवर्स लेक्स ये सब कुछ जो है वो बन रहा है ठीक है सिमिलरली इन दी मेगलामोशन कल्चर सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन इज़ देयर पहले बहुत ठंडा क्लाइमेट हुआ करता था ठंडे क्लाइमेट से आप गर्म क्लाइमेट की तरफ जाते हो जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं और लेक्स एस्टरीज ये सारी चीज़ें जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं और सिमिलरली जो है वो अजीलियन ट्रेडिशन नदरन फ्रांस के अंदर भी यही चीज़ देखी जाती है कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं और रिवर्स वग़ैरह जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं ठीक है थीके? वो अपना एरिया चाहे वो नंद्र हो चाहे वो होमोसेपियन्स हो वो जो अपना एरिया है उसको वो एक्सपेंड करते हैं मोस्ट प्रोबेबली दे आर दी होमोसेपियंस नंद्र थाल तो पहले ही जा चुके थे ठीक है तो कईयों का मानना है कि शायद कुछ काइंड ऑफ नंदरथाल वगैरह हों बट फॉर श्योर देर आर होमोसिपियंस फिर उसके बाद जो है वो एरतबोल ठीक है एरतबोल ट्रेडिशन ये सात हज़ार से लेके चार हजार साल तक ये भी रहता है एंड इट इज़ बेसिकली इन दी नदरन स्कैंडेविया सदरन स्कैंडविया टू नदरन जर्मनी और इसके अंदर जो है वो ये देखा जाता है दैट आफ्टर दिस ट्रेडिशन यू आर न्योलिथिक फनल और आपके पास जो न्योलिथिक कल्चर है वो यूरोप के अंदर शुरू हो जाता है ठीक है इस ट्रेडिशन के अंदर अगेन देर वर माइक्रोलिट्स ऑफन जोमेट्रिकल शेप माइक्रोलिट्स जो है देवर प्रेजेंट और उसी के साथ ये देखने को मिलता है कि फ्लिंट नैपिंग टेक्निक जो है वो इनके अंदर देखी जाती है वॉट इज़ दी फ्लिंट नैपिंग टेक्निक ठीक है फ्लिंट नैपिंग टेक्निक ब्लेड से कभी आपने पेंसिल को शार्प किया ब्लेड से पेंसिल को शार्प किया किसी ने छोटे होते हुए किसी ने भी नहीं किया भाई बड़े अलीट हो यार तुम लोग किसी ने तो किया होगा ब्लेड से पेंसिल को शार्प ठीक है तो दैट इज़ नोन एज द फ्लिंट नैपिंग टेक्निक कि पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हो ब्लेड को इस तरह से पकड़ते हो और इस तरह से आप शार्प करते हो सो दिस टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर बहुत ही बढ़िया टूल्स मिलते हैं और बेसिकली पेंसिल भी बहुत अच्छी शार्प हो जाती थी ओके okay? तो इसके अंदर खासियत क्या है कि आप उतनी ही फोर्स अप्लाई करते हो और इतने बढ़िया तरीके से आप फोर्स को अप्लाई कर सकते हो दैट इवन दी मटीरियल लाइक ग्रेफाइट उसको भी आप हैंडल कर लेते हो और बच्चा भी उसको हैंडल कर लेता है ये टेक्निक इतनी बढ़िया होती है तो फ्लिंट जैसे जो मटीरियल है उसको शार्पन किया जाता था और बहुत एफिशेंट जो टूल्स थी वो बनाई जाती थी और इसके अंदर जो खासियत है इस एरत बोल के अंदर वो ये देखी जाती है दैट पॉटरी वज़ ऑल्सो देयर ठीक है तो पॉटरी के अंदर जो ऊपर जो है वो डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं और ये जो है अगेन एक आर्टिस्टिक और सिम्पलिक आर्ट का जो है वो एक्सप्रेशन रहता है उसी के साथ जो है वो आपके पास फिशिंग फिशिंग हुक्स फिशिंग वेट्स वुड वर्किंग टूल्स एक्सेस वगैरह जो है वो यहाँ पे देखे जाते हैं ठीक है और उसी के साथ जो है शेल्टर्स टूल प्रोडक्शन ये सारी चीज़ें जो है ए टू जेड यहाँ पे देखी जाती हैं ठीक है सो इन दी आपके पास जो है बोल इट रिफ्लेक्ट्स दी कम्प्लेक्स सोसाइटी और इसके अंदर जो है वो इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद दी न्यूलिथिक पीरियड जिसके अंदर पॉटरी मेकिंग सडेंटिज़म ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो चुकी थी ओके okay? अब इसकी अगर हम इंटरप्रटेशन करें देखो ये तीन ट्रेडिशंस हैं इनको याद रखना ही रखना है मेगलमोशियन ट्रेडिशन जो कि आपके पास डेनमार्क के अंदर था अजीलियन ट्रेडिशन नदरन फ्रांस के अंदर स्पेन के अंदर फिर उसके बाद बोल जर्मनी के अंदर जर्मनी से स्कैंडिनेवियन कंट्री तक चलता है ये ये तीन ट्रेडिशन है यूरोप के मेजर ट्रेडिशंस और छोटे मोटे ट्रेडिशंस भी हैं बट इन तीनों को आपको याद रखना है ठीक है इसके इंटरप्रटेशन क्या हैं इंटरप्रटेशन यही है कि आपके पास मिजोलिथिक टूल ट्रेडिशन इट इज इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स यूर इन्वायरमेंटल हाइपोथिसिस किस तरह से यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज़म को रिफ्लेक्ट कर रहा है किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है ये क्योंकि पहले आपके पास जब आप अपर पेलीथिक पीरियड के अंदर होते हो यू हैव एरिड क्लाइमेट ग्लेशिएशंस हैं यूरोप के अंदर ग्लेशियर्स हैं जब आप मीजोलिथिक की तरफ बढ़ते हो मीजोलिथिक के अंदर वार्मनेस आनी स्टार्ट हो जाती है ठीक है क्लाइमेट वार्म होना शुरू हो जाता है जब क्लाइमेट वार्म होगा तो आपके जो है वो नदियाँ बननी शुरू हो जाएंगी लेक्स बननी शुरू हो जाएंगी जर्मनी का नदरन एरिया स्कैंडिनेवियन एरिया वहाँ पे बहुत सारी लेक्स मिलेंगी नदरन फ्रांस के अंदर लेक्स बननी शुरू हो जाएंगी ठीक है तो वहाँ पे एकटिक लाइफ है और एक हंटिंग गैदरिंग भी जो है वो स्टार्टेड है तो आपके पास जो है यू हैव बोथ दी चॉइसेस तो आप दोनों तरह के टूल्स बनाते हो आप उन एनिमल्स को हंट करने के लिए भी टूल्स बनाते हो और एक्वेटिक लाइफ को भी एक्सप्लॉयट करने के लिए आप जो है वो टूल्स बनाते हो सो दिस बिकम्स अ केस स्टडी जो आपके पास खास करके बोल जैसी स्पेशली मेगलूशियन कल्चर है ये केस स्टडी बन जाती है कि किस तरह से जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो एकदम से आपके पास टूल्स भी जो है वो चेंज हो जाते हैं इवन द टूल टेक्नोलॉजी इट चेंजेस ठीक है तो आपके पास जो है ये सारी चीजें जो है वो एक मेजोलिथिक uh, ट्रेडिशन का जो है वो पार्ट है देन द प्रेजेंस ऑफ द इक्वेटिक हंटिंग टूल्स मेगलमुशियन के अंदर और अरथबोल के अंदर ठीक है वो उन्होंने जो है वो मरीन लाइफ स्टाइल वाटर रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर दिया था अजीलियन ट्रेडिशन के अंदर पेबल्स को पेंट किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि एक सिम्बोलिक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उनके अंदर बन गया था सोसाइटी और ज़्यादा कम्पलेक्स हो चुकी थी और उसी के साथ जो है वो टूल ट्रेडिशन आपके पास जो है वो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन को समझाता है ठीक है जी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन द फीचर्स ऑफ अर्ली फार्मिंग कल्चर एंड द न्यूलिथिक इन नियर ईस्ट अच्छा यहां तक किसी को किसी तरह का डाउट आया हो ठीक है अब देखो ये जो मिजोलिथिक की बातें हैं ये इंडिया के अंदर फॉलो नहीं होती भाई राजस्थान के अंदर आप जो है वो डोमेस्टिकेशन कर रहे हो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन चल रही है ठीक है तो ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स कि वो लोग यकीन राजस्थान के नहीं होंगे बिकॉज वहां पे जो एनिमल्स पाए गए हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं दोनों के अंदर कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस हैं तो वहां पे तो देखो माइग्रेशन हैं तो इंडिया में द सिचुएशंस इन द देलोलिथिक एज वेल एज इन द्यूलिथिक मिजोलिथिक दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स ओके पॉइंट देन द फीचर्स ऑफ द अर्ली फार्मिंग कल्चर इन दियोलिथिक ऑफ द नियर ईस्ट ठीक है तो आपके पास सिंपल सी बात है कि आपने कहा कि आपके हंटिंग धीरे uh, धीरे जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया सोसाइटी फ्रॉम द हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल टू द सेटल्ड फार्मिंग ठीक है फिर जो है वो आपके पास दिस इज़ ए ट्रांसफॉर्मेटिव एरा और विच बिगेन इन द 10,000 थाउजेंड और इसको जो है वो इट इज़ करक्ट्राइज बाई द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल डोमेस्टिकेशन आपके पोल्ट्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और उसी के साथ जो है वो परमानेंट सेटलमेंट्स जो है वो शुरू हो गई ठीक है जी फिर आपके पास दीज आर द साइट्स एक बार जो है वो इनको देख लीजिएगा सो so, ये नियर ईस्ट की साइट्स हैं जहाँ पे अर्ली फार्मिंग कल्चर जो है वो डेवलप हुई है ठीक है गॉट द पॉइंट ठीक है तो आपके पास जो है वो जरीचो एक है अब यहां पे कोई ऐसे मत कह देना दैट जो नाटुफियन कल्चर नहीं यहां पे लिखी नाटुफियन कल्चर इट स्टार्ट फ्रॉम दी अपर मीजोलिथिक एंड एंडस इन दियोलिथिक ठीक है आई एम रियली वेरी सॉरी एक्चुअली मुझे भी ये डाउट था ठीक है दैट हो सकता है कि ये न्योलिथिक की शुरुआत से बनी हो बट नाउ इट्स वेरी क्लियर मैंने भी इसकी क्लैरिटी बनाई है बैठ के दो तीन दिन क्रॉस रीडिंग्स करके कि जो आपके पास नाटूफियन कल्चर है ये अपर मीज़ोलिथिक के अंदर लेट मीजोलिथिक अपर नहीं कहना चाहिए लेट मीजोलिथिक के अंदर ये डेवलप होती है और जैसे ही बाकी जगह के ऊपर चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं वहाँ पे ये एंड हो जाती है एंड हो क्यों होती है इसका हमें नहीं पता ठीक है वी डू नॉट नो अबाउट दिस फिर उसके बाद इट स्प्रेड्स आउट जो लोग हैं वो बाहर निकल जाते हैं ठीक है और लोग बाहर निकल के फर्टाइल क्रिसेंट के अंदर चले जाते हैं थोड़ा सा बाहर वाली ईरान इराक वाली साइड पे चला जाते हैं वो लोग ठीक है तो आपके पास जो है वो जरीचो एक साइट बन जाती है और जो कि न्योलिथिक ए पीरियड को न्योलिथिक ए पीरियड इज़ अराउंड 9600 तो सिक्स हंड्रेड टू एट थाउजेंड ठीक है एंड दिस इज़ अ प्री पॉटरी पीरियड प्री पॉटरी पीरियड कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी तक पॉटरी नहीं बनी है ठीक है तो इट रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैसिव स्टोन वॉल सराउंडिंग द सेटलमेंट ठीक है कि एक लार्ज स्टोन टावर जो है वो बनाया गया हो यकीनन ये किसी की तरह का जो है इन्वेजन रोकने के लिए नहीं है इट इज टू एब्स्ट्रक्ट द विंड तेज हवाएं आती होंगी तो उन्होंने बड़ी बड़ी जो वॉल्स हैं ब्लॉक्स हैं वो लगा दिए कि जिससे कल्टीवेशन जो है हवाएं आएंगी तो प्लांट्स गिर जाएंगे ना तो उसके लिए जो है वो उन्होंने बता दी सो so, जे जेरेचो के अंदर ऑब्वियसली स्मॉल फैमिलीज वट नॉट देयर बड़ी बड़ी जो कम्युनिटीज थी वो रहा करती थी वहाँ पे और आपके पास डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज देयर शीप वॉज देयर गोट वॉज देयर लेग्यूम्स बीचे जाते थे वाइल्ड बार्ले वीट जो है ये सारी चीज़ें जो है वो होती थी फिर तो उसके बाद यहाँ पे इट इज़ फेमस फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द ह्यूमन स्कल्स ठीक है और आपके पास जो है दैट वर फाउंड प्लास्टर्ड एंड पेंटेड सजेस्टिंग द अर्ली फॉर्म ऑफ द एंसेस्टर वेनरेशन और प्रहैप्स द्रोटोराइटिंग ठीक है तो आपके पास जो है वो स्कल्स के ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं प्लास्टर्ड हैं पेंटेड हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो हुआ होगा या तो कुछ रिचुलस्टिक सेरेमनीज़ होंगी या फिर हो सकता है किसी तरह की प्रोटोराइटिंग हो ठीक है सो तो ये जो आर्ट है आर्किटेक्चर है जरीचों का इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कम्प्लेक्स सोशल लाइफ इसके अंदर देखने को मिलती है <coughs> फिर उसके बाद कैटल हुक की बात आती है सो <coughs> <So, coughs> यहाँ पे जो है वो दो मोल्ड्स मिले हैं और ये जो साइट्स है वो बत्ती एकड़ के अंदर जो है वो फैली हुई है ठीक है यहाँ पे 18 लेवल्स ऑफ न्यूलिथिक अक्यूपेशन जो है वो देखी जाती है और इट इज़ अराउंड सेवन सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड बी ठीक है और आपके पास जो कैटल हक के अंदर जो हाउसेज हैं देवर बिल्ट वॉल टू वॉल जो कि अर्बनाइज सेटलमेंट को जो है वो दर्शाते हैं ठीक है सो इनसाइड दी हाउसेज़ फ्लोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली डेकोरेटेड थी बहुत सारे यहाँ पे फिगराइंस जो हैं वो पर्टिकुलरली वीमेन की जो है वो मिली हैं इससे पता चलता है कि गॉडेस वर्शिप जो है वो होती होगी एक्सकेबिशन में ये पता चला है कि उनकी जो ज़्यादातर डाइट है वो प्लांट बेस्ड डाइट थी उसी के साथ वो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे कुछ जो है वो वाइल्ड रिसोर्स भी वो खाते थे फिर उसके बाद गुबेतली की जो है वो गुबैतली की क्ली टेपी जो है वो अगेन इट्स अ साइट सो इट इज रेफर टू द स्टोन एज माउंटेन सेंचुरी अगेन द एज इट इज अराउंड नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बी सी ई टिल एट थाउजेंड बी सी ई ठीक है तो इसके अंदर टी शेप्ड लाइम स्टोन जो है वो आपको मिले हैं बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं और आपके पास जो है इनके ऊपर बहुत सारी कार्विंग्स की गई हैं बोअर्स की फॉक्सिस की स्नेक्स की बर्ड्स की कार्विंग जो है वो इनके अंदर मिलती हैं उसी के साथ जो साइट साइड का आर्किटेक्चर है इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स मोनोलिथिक पिलर्स जो है दे आर प्रेजेंट इन हेयर एडवांस्ड सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस दे आर प्रेजेंट इन हेयर तो जो कि आपके पास ये बताता है कि रिचुअल और सेरेमोनियल सेंटर जो है वो यहाँ पे होता होगा फिर उसके बाद जो है वो एन गज़ल की साइट है नियर ईस्ट के अंदर एन गज़ल के अंदर अगेन दो से तीन स्टोरी बिल्डिंग्स जो है वो देखी जाती थी विद दी हेल्प ऑफ मड ब्रिक्स एंड प्लास्टर जो कि इनकी आर्कोलॉजिकल एबिलिटीज़ को जो है वो बताती थी ऑब्वियसली इट इज़ नी नियोलिथिक बी यानी कि जो है वो लेटर नियोलिथिक की साइट है सेवनटी टू हन टू फिफ्टी बी सी ई टू फाइव थाउजेंड बी सी की ये साइट है ठीक है तो आपके पास जो है वो आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दी प्लास्टर स्टैचूज इन दी एन गज़ल कुछ जो है वो आपके पास ह्यूमन फॉर्म्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ऑब्वियसली इट शुड बी सम काइंड ऑफ स्टैचूज मतलब कुछ जो है वो ह्यूमन बिलीफ सिस्टम्स को जो है वो बताते होंगे नियर ईस्ट गूगल करो ओके okay. सो so, आपके पास जो है वो की फीचर्स इसके क्या हैं एग्रीकल्चर है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैं पोल्ट्री प्रोडक्शन कईयों के अंदर नहीं है लेकिन कईयों के अंदर शुरू हो जाता है सेरेमिक वेसल्स वगैरह शुरू हो जाते हैं उसी के साथ जो है वो परमानेंट सेटलमेंट और सोशल कंप्लेक्सिटी दे आर वन ऑफ द फीचर्स ठीक है देन द नेक्स्ट वन इज़ दी थर्मोलुमिनस डेटिंग ओके चलिए सो फॉर दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई यहीं पे एंड करते हैं बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐप के ऊपर आ जाएंगी ऐप के ऊपर डिस्कस कर ली जाएंगी